तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ रिग्रेशन। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो कॉस्ट फंक्शन होता है, जो हाइपोथेसिस फंक्शन होता है, उसको डिस्कस किया। उसमें कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले वीडियो सीरीज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें उन फॉर्मूलाज का यूज होगा। तो आप एक बार उन फॉर्मूलाज को देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ रिग्रेशन। तो मेनली दो प्रकार के रिग्रेशन होते हैं। पहला आपका होता है सिंपल लाइन रिग्रेशन, दूसरा होता है मल्टीपल रिग्रेशन। ये क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट है कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करेंगे जो प्रिडिक्ट करेगा वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को। और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो यूज करेगा, जिसका हम यूज करेंगे प्रिडिक्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को। क्लियर। यहाँ पे फॉर्मूला एक यूज होगा y इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन एक्स, और यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू ए जीरो यानी ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस ए एम एक्स एम, यानी ये अप टू एन टर्न तक जाएगा। यहाँ पे y क्या होंगे, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, x क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और b नॉट और b वन क्या होंगे, कोफिशियंट होंगे। क्लियर। और यहाँ पे ai क्या होगा, i के जगह पे हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, जो कि रिग्रेशन कोफिशियंट होगा। और xi क्या होगा, xi आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y नॉट क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर। तो ये आपके बेसिक से डिफरेंस थे इसके अंदर, जिनका जानना आपके लिए जरूरी था। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।